तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं गांधी सेतु का अपडेट के बारे में। तो आप लोगों को एक नंबर पाया से 46 नंबर पाया तक लेकर के जाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को अपडेट हम इन्फॉर्मेशन बराबर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक नंबर पाया से आप लोगों को मैं लेके जा रहा हूँ। एक नंबर पाया से आप लोगों को 46 नंबर पाया तक लेकर के जाएंगे। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, इधर में देख सकते हैं जो क्रैश बैरियर का काम है वो भी हो चुका है और जो ढलाई का काम है वो भी हो चुका है। आप लोगों को तस्वीरें दिख रहा होगा, जो यहाँ पर क्रैश बैरियर का काम है वो देख सकते हैं फाइनल हो चुका है और जो ट्रस रखने का काम है वो भी हो चुका है। तो एक नंबर पाया से आगे तस्वीरों में दिखाएंगे कहाँ तक इसका ढलाई हो चुका है और कहाँ तक क्रैश बैरियर का काम हुआ है। वीडियो में बने रहें। इधर में भी देख सकते हैं पूरा ढलाई का काम हो चुका है, क्रैश बैरियर रखने का भी काम, क्रैश बैरियर बनाने का जो काम है वो भी हो चुका है। थोड़ा सा आप लोगों को नॉइज़ जा रहा होगा, आवाज़ जो है थोड़ा सा क्लियर नहीं जा रहा होगा, क्योंकि हम बाइक पर हैं और बाइक की वजह हवा के कारण जो है आप लोगों को थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा जा रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं इधर में क्रैश बैरियर का काम हो चुका है और ढलाई का भी काम हो चुका है। इधर में भी जो है पूरा काम ढलाई का हो चुका है, क्रैश बैरियर का भी काम हो चुका है। ये पाया नंबर 8 नंबर पाया मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ, जो कि देख सकते हैं 8 नंबर पाया तक जो है इसका जो ढलाई का काम था वो भी हो चुका है और क्रैश बैरियर का काम वो भी हो चुका है। वीडियो में बने रहे, आप लोगों को एक एक पेयर का बारीकी से अपडेट देंगे। ये 9 नंबर पेयर जो है हम क्रॉस कर चुके हैं और 9 नंबर पेयर के बाद जो है ढलाई नहीं हुआ है, ट्रस रखने का काम हो चुका है, प्लेटें जो है बिछाई जा रही है और 9 नंबर और 10 नंबर के बाद 10 नंबर के आगे जो है ढलाई हो चुका है, लेकिन क्रैश बैरियर का जो काम है वो अभी भी बचा हुआ है, जो कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। मतलब 9 नंबर और 10 नंबर के बीच में जो है ट्रस रखने का काम कंप्लीट हो चुका है और एक नंबर पाया से लेकर के 9 नंबर पाया तक ढलाई का भी काम हो चुका है और क्रैश बैरियर बनाने का जो काम है, जो हैंड रेलिंग है वो भी बनाने का काम हो चुका है। 9 नंबर और 10 नंबर के बीच में ही जो ढलाई का काम बचा हुआ है, बाकी 10 नंबर के आगे का तस्वीर जो है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। 10 नंबर के आगे का कहाँ तक ये ढलाई हो चुका है उसकी तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये मैं 12 नंबर पेयर क्रॉस कर चुका हूँ, इधर में भी जो है ढलाई का काम हो चुका है और क्रैश बैरियर का जो हैंड रेलिंग का जो है वो सरियाबंदी का काम हो चुका है, लेकिन अभी भी ढलाई इसमें बचा हुआ है, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। ये मैं 13 नंबर पेयर क्रॉस कर चुका हूँ और 13 नंबर पेयर तक भी जो है सो क्रैश बैरियर का काम बचा हुआ है, ढलाई का काम बचा हुआ है। ये पेयर में 14 नंबर पेयर से क्रॉस कर रहा हूँ और 14 नंबर पेयर के पास देख सकते हैं इधर में ढलाई नहीं हुआ है और इधर में शीट रखने का जो काम है वो हो चुका है। और इधर में देख लीजिए 14 नंबर से 15 नंबर के बीच में शीट रखने का काम हो रहा है और 15 नंबर से लेकर के आगे तक जो तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, 15 नंबर से 16 नंबर के बीच में सरियाबंदी का काम चल रहा है और 16 नंबर पेयर से जो सीटें बिछाने का काम है वो यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से हो रहा है। 16 नंबर से 17 नंबर के बीच में शीट बिछाने का काम हो चुका है और 17 नंबर के आगे आप अगर जाइएगा तो तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरह से ट्रस रखने का काम हो रहा है। कहीं पर ट्रस रखने का काम हो रहा है, कहीं पर बोल्टिंग का भी काम हो रहा है, जो ट्रस रखने के बाद जो बोल्टिंग किया जाता है उसका काम हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं बोल्टिंग लोग कर रहे हैं, ट्रस रखने के बाद जो बोल्ट लगाने का काम है वो यहाँ पर कर रहे हैं, ये देख सकते हैं तस्वीरों में आप साफ साफ। ये 19 नंबर का पाया मैं क्रॉस कर रहा हूँ, जो कि देख सकते हैं इधर में काफ़ी सारा काम बचा हुआ है, इधर में ट्रस रखने का काम बचा हुआ है। 19 नंबर से 20 नंबर के बीच में भी ट्रस रखने का काम बचा हुआ है। तो कैसे कह दें कि हम अप्रैल में ये बन के तैयार हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, अप्रैल में बिल्कुल संभव नहीं लग रहा है मुझे कि किस तरह से ये बन के तैयार होगा। ये जो पाया आप लोग देख रहे हैं 20 नंबर के बाद की तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो इसको जो है सोशल मीडिया पर हंगामा है कि अप्रैल में बन के तैयार हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि अप्रैल में बन के तैयार हो जाएगा। ये देख सकते हैं ये 21 नंबर का पाया मेरे सामने से गुजर रहा है और इधर में देख लीजिए इधर पेयर कैप तो बन गया है लेकिन ट्रस रखने का भी काम नहीं हुआ है। तो 21 नंबर पाया से लेकर के कहां तक ट्रस रखने का काम नहीं हुआ है उसकी तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। यहाँ पर देख सकते हैं 21 नंबर से मैं आप लोगों को तस्वीरें दिखाया था,
हाँ टरस रखने का जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है, जो पेयर कैप है वो बन के तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी काम बचा हुआ है। टरस रखने का काम बचा हुआ है, उसके बाद पेयर कैप के ऊपर जो ढलाई होगा वो भी काम बचा हुआ है, जो कि आप देख पा रहे होंगे ये 24 नंबर पाया जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ आप लोगों को मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ। एक एक पाया का जो है बारीकी से अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा और टेक्निकली चीज़ बताऊंगा कि कितना काम बचा हुआ है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि ये मतलब 2022 में इसको अप्रैल में बन जाने का जो है लक्ष्य रखा गया है वो मुझे नहीं लगता कि ये बन के तैयार होगा, क्योंकि मई जून जुलाई अगस्त भी जा सकता है जिस हिसाब से काम इसका बचा हुआ है। हाँ तेज़ी से काम हो रहा है, कई चरणों में इसका काम हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 नंबर पाया जो है आ चुका है और 27 नंबर पाया से देख लीजिए कंक्रीटिंग का काम हो चुका है। और इधर में मैं आप लोगों को दिखा दूँ जो क्रैश बैरियर हैंड रेलिंग का काम है वो भी हो चुका है और इधर में ढलाई का भी काम हो चुका है। तो आप देख सकते हैं 28 नंबर पाया जो है वो क्रॉस कर चुका है, आगे की भी तस्वीर आप लोगों को दिखाएंगे। हाँ टीम लगा हुआ है, जो वर्कर हैं वो लगे हुए हैं, जो कंपनी का स्टाफ है वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है ऐसा कह सकते हैं, लेकिन अप्रैल में जो है गाड़ियाँ दौड़ेगी ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी काम बचा हुआ है और काफ़ी सारा काम इसमें क्योंकि इसमें देख लीजिए पेंटिंग का भी काम बचा हुआ है और इधर में क्रैश बैरियर का भी काम बचा हुआ है, कहीं पे फाइनल जो ब्लैक टॉप है उसका भी काम बचा हुआ है। यहाँ पर एक मिलर वाली गाड़ियाँ है, हालांकि यहाँ पे कंक्रीटिंग का काम नहीं हो रहा, लेकिन मिलर वाली गाड़ियाँ से क्यूरिंग का काम किया जा रहा है। जो मिक्सर वाला मशीन मिक्सर वाला जो गाड़ियाँ होती है उससे उसमें पानी भर के लाया जा रहा है और पानी डालने का काम यहाँ पर हो रहा है। इधर में देख लीजिए ये 32 नंबर का पाया मैं क्रॉस कर रहा हूँ, 32 नंबर पाया के पास आप देख सकते हैं ढलाई का काम हुआ है, लेकिन हैंड रेलिंग का काम बचा हुआ है, ट्रस रखने का भी काम यहाँ पर हो चुका है, काफ़ी सारा काम बचा हुआ है। ब्लैक टॉप जो पिचिंग का काम है वो भी काफ़ी सारा इसमें समझ लीजिए पूरा का पूरा बचा हुआ है। तो कह सकते हैं अभी भी काम बहुत सारा बचा हुआ है, अभी 50% भी काम समझ लीजिए एक तरह से कह सकते हैं कि इसका नहीं हुआ है। 50% हाँ काम हो चुका है, लेकिन ट्रस रखने का भी काम बहुत सारा बचा हुआ है, ऐसा कह सकते हैं कि 50% का काम इसका जो है हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत काम बचा हुआ है और ये अप्रैल में बन के संभव नहीं लग रहा है। और ये पाया जो आप लोग सामने से गुजर रहा है ये 35 नंबर का पाया मेरे सामने से क्रॉस किया है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहें और कहां तक ढलाई हुआ है उसकी तस्वीर मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा रहा हूँ। 27 नंबर पाया से लेकर के कहाँ तक इसका ढलाई हुआ है उसकी तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये जो पाया क्रॉस कर रहा हूँ 37 नंबर का पाया मैं क्रॉस कर गया हूँ और इधर में देख लीजिए 37 नंबर पाया के आगे में सरियाबंदी का काम चल रहा है, जो कि आप देख पा रहे होंगे 37 नंबर से लेकर के 38 नंबर और 39 नंबर और 40 नंबर पाया तक जो है सरियाबंदी का काम चल रहा है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कहीं जगह पर ये 39 नंबर का पाया जो है मेरे सामने से गुजर गया है और 39 नंबर पाया के आगे में जो है सरियाबंदी का काम अभी नहीं हुआ है और सीटें रखने जो सीट है उसको बिछा दिया गया है, लेकिन अभी भी काम काफ़ी सारा बचा हुआ है आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। ये देख लीजिए 41 नंबर पाया से आप नोटिस कीजिए 41 नंबर पाया से जो है गंगा मैया स्टार्ट हो चुका है और 41 नंबर पाया से लेकर के मैं बता दूं 42 नंबर पाया तक जो है इसका ट्रस रखने का भी काम बचा हुआ है। हाँ 42 नंबर का भी जो काम है वो ट्रस रखने का काम यहाँ पर चल रहा है आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, तो काफ़ी सारा काम यहाँ पर बचा हुआ है। ये पाया जो है 43 नंबर का पाया मेरे सामने से गुजर रहा है, ये पेड़ जो देख रहे हैं आप लोग ये 43 नंबर का पाया है और इधर में सीटें बिछा दी गई है, कहीं पे सरियाबंदी का काम चल रहा है, तो कई चरणों में काम होता हुआ मुझे दिख रहा है। और ये 44 नंबर पाया आ गया है, इधर में देख सकते हैं 44 नंबर पाया से लेकर के आगे तक जो 46 नंबर पाया तक है उधर में ढलाई का काम हो चुका है और क्रैश बैरियर का भी काम जो है सो हो चुका है, लेकिन उसमें ढलाई का काम बचा हुआ है, जो हैंड रेलिंग है उसका काम ढलाई का जो है वो बचा हुआ है आप देख पा रहे होंगे। ये देख सकते हैं 45 नंबर पाया जो है मेरे सामने क्रॉस कर गया है और ये जो पाया आप लोग देख रहे हैं 46 नंबर का पाया मेरे सामने लास्ट वाला पाया ये क्रॉस कर रहा है। 46 नंबर के आगे में जो है ट्रस रखने का काम फाइनल हो चुका है, लेकिन इसमें अभी सीटें भी लगाना बाकी है, लेकिन ऊपर में जो ट्रस रखने का काम है वो भी समझ लीजिए यहाँ पर हो चुका है। और इधर में देख सकते हैं मैं पटना के साइड आ गया हूँ और इधर में देख सकते हैं ये पटना के साइड जो गांधी सेतु का अप्रोच रोड है उसकी तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो आपको शायद अंदाज़ा लग गया होगा कि कितना काम हुआ है और कितना काम बचा हुआ है।
आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट अपडेट में, कोई नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।